वेलकम टू माई चैनल। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैंने पिछली भी एक ईयरबड्स मंगाई थी जो कि मुझे रिटर्न करना पड़ा, तो मैंने ये दूसरा ईयरबड्स मंगाया है जो कि है पीट्रॉन बास बड्स वेव। करेंटली इसकी प्राइस है 1300, मगर सेल में मैंने इसे लिया था 900 में। तो आपसे सेल में ही ट्राई करें लेने का। और काफ़ी क्यूट सा पोर्टेबल सा केस है इसका और डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। ट्रायंगुलर शेप डिज़ाइन है एक नॉच जैसा और ये इसका वारंटी कार्ड है। मैट फिनिश है इस प्रोडक्ट में और ग्रे ही कलर में अवेलेबल है ये। बस फिलहाल इसमें मिली है हमें एक चार्जिंग केबल, सी टाइप चार्जिंग केबल है और दो एक्स्ट्रा बर्ड्स मिलते हैं हमें दो अलग साइज में। तो फिलहाल ये केस खाली है। मुझे तो इसकी डिज़ाइन पसंद आई और इसमें एक घंटे से भी कम लगता है इसे फुल चार्ज करने में और 40 आवर्स बैटरी बैकअप है इसकी। साउंड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी पसंद आई। डीप बेस और स्टीरियो कॉल्स जैसे भी फीचर हैं इसमें। ये वाटर रेजिस्टेंट है तो अगर आपको पसीना से प्रॉब्लम होगा कि ये ख़राब हो जाएगा तो ये नहीं होगा। डिज़ाइन इसकी काफ़ी यूनिक है तो हम इसे केस में डाल देते हैं और ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं ईयरबड्स में ही लाइट जलती है, रेड कलर की फिलहाल जल रही है। नॉइस कैंसिलेशन डिसेंट सा है, काफ़ी ज़्यादा भी नॉइस कैंसिल नहीं होता है इसमें। अगर आप गेम फ्रीक हैं तो पबजी जैसे गेम्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ये मैं पिक डाल रही हूँ ये दिखाने के लिए कि अगर आपका छोटा फेस है जो कि मेरे जैसा तो आपके कान पे ये काफ़ी बल्की लगने वाला है। और फिट वाइज मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये बार बार स्लिप कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही बल्की लग रहा था मेरे फेस पे, पूरा बाहर निकला हुआ लग रहा था। तो ओवरऑल कॉल क्वालिटी साउंड वाइज ये मुझे पसंद आया, मगर फिट वाइज मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि मेरा फेस छोटा है। तो अगर आपका भी फेस मेरे जैसा थोड़ा छोटा है तो आप ये नहीं ले, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी बल्की लगेगा आप पर और बार बार कान से गिरने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और अगर आपको मेरी ये रिव्यू पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे चैनल को।